तो दोस्तों आज फिर से एक नई ड्राइंग आप लोगों के सामने हम लेकर आ चुके हैं, जिसका आज का जो ड्राइंग रहेगा वो 30 फुट चौड़ाई का और 60 फुट लंबाई का ये ड्राइंग मैंने किया है। तो मैंने कई तरह से भी ड्राइंग किया है, इसका मैंने प्लेलिस्ट भी एक यूट्यूब चैनल पे बना कर रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट का नाम है आपका घर का नक्शा। तो इसको पहले समझते हैं हम। ये आपका मेन एंट्री हो गया। हाँ, ये जो ड्राइंग है आपका ये नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है, ठीक है। फेसिंग इसका नॉर्थ की तरफ रहेगा, उत्तर की तरफ ये फेसिंग के लिए है ये ड्राइंग। तो मेन गेट की बात करते हैं, तो मेन गेट यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। डायरेक्ट एंट्री हमारा कितना होगा, पोर्टिको यानी कार पार्किंग में। यहाँ सीटिंग के लिए कॉर्नर पे हम जगह बना सकते हैं, ठीक है। इस जगह को हम सीटिंग के लिए बना सकते हैं स्लैब टाइप से डालकर। तो जो पोर्टिको कार पार्किंग का स्पेस रखना है वो 30 फुट × 10 फुट का आपको रखना है। 30 फुट पूरा लंबाई और 10 फुट आपका ये वाला चौड़ाई रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने इसके अंदर एंट्री कर गया, यहाँ पे हमने एक पैसेज बना दिया, ठीक है। ये पैसेज आपका रहेगा, पैसेज का जो डायमेंशन आपका रहेगा वो आपका 7 फुट 9 इंच × 7 फुट का पैसेज रहेगा, और यहीं से आपका जो है ये स्टेयर को राइज कर देगा, ठीक है। ये पैसेज से आपका स्टेयर राइज होकर ऊपर चढ़ जाएगा छत पर। और यहाँ से इसके अंदर में जो जाएंगे हम, तो यहाँ से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन डोर हो जाएगा यहाँ पर। अब मेन डोर से जैसे ही हमने एंट्री किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिविंग रूम मैंने दे दिया। लिविंग रूम आपका जो रहेगा वो साइज उसका क्या रहेगा, 16 फुट 9 इंच × 20 फुट 6 इंच का लिविंग रूम एक रहेगा, ठीक है। ये लिविंग रूम हो गया। लिविंग रूम के बाद जस्ट एक यहाँ पे हमने क्या, यहाँ एक डाइनिंग का स्पेस कर दिया जो 11 फुट × 10 फुट का डाइनिंग स्पेस रहेगा। फोयर यहाँ पे एक 11 फुट 6 इंटू 10 फुट का यहाँ रख लिया है। उसके बाद ये टॉयलेट आपका हो जाएगा, इसके जस्ट बगल में पूजा रूम हो जाएगा। तो ये दोनों को आपको लग रहा होगा देखने में कंबिनेशन सही नहीं है, टॉयलेट के जस्ट बगल में पूजा रूम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका जो है किया गया है, आपका ये वास्तु के हिसाब से देखकर किया गया है। इसका पीछे पड़ रहा है तो उसके लिए आप नहीं जाए। ये डायरेक्ट जो फिक्स किया गया है वास्तु के हिसाब से फिक्स किया गया। यहाँ पे जस्ट बगल में फोएवर से होते हुए आपका कैट्स का बेडरूम, एक तो बच्चा के लिए बेडरूम प्रोवाइड मैंने कर दिया, जो कि साइज रहेगा 11 फुट × 16 फुट का एक बेडरूम यहाँ पे रहेगा। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे एक ड्रेसिंग रूम इसका बच्चा का लिए ही रहेगा, और उसके जस्ट अटैच इससे टॉयलेट रहेगा। ये जो भी इसमें बच्चा रहेगा इसके अटैच टॉयलेट भी रहेगा, मतलब ये मास्टर बेडरूम के करीब बन जाएगा। उसके बाद ये जो किचन 11 फुट × 10 फुट का है वो कॉर्नर पे, ये भी वास्तु के हिसाब से ही रखा गया। और ये यहाँ पे मास्टर बेडरूम है, ये 17 फुट × 10 फुट का मास्टर बेडरूम हो गया, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा बेडरूम, बड़ा बेडरूम हो जाएगा, मतलब लंबाई में सिर्फ, चौड़ाई में तो थोड़ा सा डाउन होगा। तो 17-10 का ये आपका बेडरूम हो गया, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक काइट्स के लिए बेडरूम हो गया, बेडरूम मतलब बोलेंगे तो एक और एक दो और दो ठो आपका इसमें बेडरूम के साथ मास्टर वाला। उसके बाद एक लिविंग रूम बड़ा सा है, और उसके बाद डाइनिंग स्पेस और किचन और बाकी दो ठो टॉयलेट मिलाकर आपका ये नक्शा तैयार होता है, ठीक है। और पार्किंग को लेकर तो ग्राउंड फ्लोर का ये नक्शा है। टोटल एरिया की बात करते हैं तो 1800 स्क्वायर फुट टोटल बनेगा, 30 फुट चौड़ाई और 60 फुट लंबाई को लेकर। तो 1800 स्क्वायर फुट में ये नक्शा आपका ये बनकर तैयार हुआ है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर नक्शा पसंद आया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया। और इसी तरह से नक्शा आपको देखता है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है घर का नक्शा से, टेक्निकल अर्बन सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान में घर का नक्शा से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया। मैंने उस पर बहुत तरह के डायमेंशन से आपको नक्शा बनाकर अपलोड किए, तो आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए।